नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। सबसे पहले आप अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को बहुत अपना कीमती समय देते हैं, देखते हैं और हमें बहुत प्रेम देती हैं, कमेंट्स भी करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी रेसिपीज के बारे में पूछताछ करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी कुलचे छोले। मैं बहुत जो अलग स्टाइल में होंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना है। और सबसे पहले इंग्रीडियंट लेने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखेंगे कि कितना पानी लगेगा खाना बनाने में। आप पानी की बचत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जो भी सब्जियां फल धोएँ उनको गमलों में डालें, पानी को इकट्ठा करके, ताकि हमारी धरती हरी भरी महक उठे, हरियाबल से खिल उठे। तो हमें चाहिए जे मैंने एक कप सूखे, जैसे मार्केट से लेकर रहते हैं, एक कप जो स्टैंडर्ड कप से हम लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की, एक कप चने लिए थे, उसे अच्छी तरह स्टैंडर्ड में पाकर मसल कर धो लिया। धोने के पश्चात दो कप पानी डालकर मैंने उसे रात भर भिगो दिया, यानी कि अगर 7-8 घंटे भिगोना है। फिर हमने दो कप पानी डाल के मैंने इन चनों को क्या किया, प्रेशर कुकर में, जैसे दो बर्नर रहते हैं छोटे बर्नर, इस छोटे बर्नर पर कुकर में डालकर आधा घंटा तक इसे पकाया। अब देखिए कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होने चाहिए, नहीं आपका कुल जो चने और कुलचे अच्छे नहीं बनेंगे। तो बाद में जब उतारना था, दो बिसल बजा के इसे उतार लिया, इतना काम हो गया चनों का। तो फिर हमने ये 100 ग्राम आलू लिए हैं, सभी मैंने ठीक रेशो में लिए हैं, ताकि ऐसा ना हो चनों में आलू का स्वाद आए, कहीं प्याज का आए, प्याज ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, टमाटर गड़बड़, सभी चीज़ें रेशो में होनी चाहिए। आलू को बॉयल किया, 100 ग्राम आलू लिए हैं जी, ये 100 ग्राम ही मैंने टमाटर लिया, 100 ग्राम टोटल प्याज है, जिसमें 75 ग्राम मैंने ऊपर डालने के लिए कच्चा रखा है, सब्जी में डालने के लिए निकाल लिया है। हरा धनिया खूब मात्रा में लिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है, ये हरी मिर्ची है, नींबू है, अदरक के स्लाइसे 1 इंच पीस लेके बिल्कुल पतले पतले, एकदम से महीन काटनी है, लंबे लंबे स्लाइसे। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 1 टेबलस्पून तो लिया साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून आधा टीस्पून लिया टीस्पून तो लिया साबुत धनिया, आधा टीस्पून लिया अनारदाना, दोनों को तवे पर जैसे जीरा भूनते हैं भून लिया। भूनने के पश्चात गैस का बर्नर बंद कर दिया, उसी तवे पे गर्म था तवा, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली, तीनों चीज़ों को फिर 1-2 मिनट हिला के ऐसा ऐसा करके इसे खल बट्टे में पीस लिया मोटा मोटा। ये आधा टीस्पून मेरे पास है अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून है गरम मसाला, 1 टेस्पून है मेरे पास भुना पिसा जीरा और धनिया पत्ती प्याज, ये मैंने आपको बता दिया, ये बटर है, और ये मेरे पास तेल है, नींबू है, हरी मिर्ची है और कुलचे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी तैयार करेंगे। सब्जी कैसे तैयार करनी है ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास काली मिर्च पाउडर है और लाल नमक है, जिसे काला नमक भी कहते हैं, लाल नमक भी कहते हैं, ये साबुत जीरा नमक, ये दोनों इंग्रेडिएंट हैं मेरे पास। और ये है इमली की चटनी, इमली की चटनी का लिंक आप मेरी मीठी चटनी में भी देख दे, दही बड़ों के लिए। वैसे मैंने जो आज चटनी बनाई है वो मैंने 50 ग्राम इमली भिगोई थी, 25 भिगोने के बाद घिटक और जो रेशे से निकाल दिए उसमें 25 ग्राम मैंने मिला लिया शक्कर या गुड़ 25 ग्राम, भुना जीरा मिलाया 1/2 टीस्पून, भुनी हुई काली मिर्च 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1/4 और पीसा जीरा 1/2 टीस्पून। अगर आपको इतना ना समझ लगे तो मेरी आप मीठी चटनी की रेसिपी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लें। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी सब्जी चनों की। तो कैसे प्रिपेयर करनी है, पहले मैं 1 सर्विंग स्पून इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। तो अब इसमें तेल के गर्म होने पर हम इसमें 1/2 टीस्पून मिलाएंगे जीरा, और आप, मैं बिना हल्दी की बना रही हूँ, अगर आपको हल्दी पसंद हो तो आप चनों की सब्जी में हल्दी भी मिला सकते हैं। जीरा हमारा चटक गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। देखिए जो मैंने टोटल 100 ग्राम लिए थे, एक हिस्सा सब्जी के लिए निकाल लिए और 3 हिस्से मैंने ऊपर डालने के लिए रख दिए। अब प्याज को हमने जलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसल्यूजेंट ही करना है, पिंक करना है,
तो फिर हम क्या करेंगे, इसे कब भूनते हैं। तो इतने में हम अपने आलू जो हमने बॉईल करके रखे हैं उसके पीसीज भी कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसीज करने हैं हमने। हो गए हैं, अब अदरक के लेंथ वाइज कटे हुए हमने स्लाइसेस मिला दिए हैं और अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। मसाले कैसे मिला रहे हैं आप देख लीजिए। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मैंने देगी मिर्च लिया ताकि इसमें कलर बढ़िया आए, क्योंकि काली मिर्च भी डालेंगे तो ग्रीन मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे। अब हमने जो जीरा, साबुत धनिया और अनारदाना, कसूरी मेथी भून कर रखी थी उसे मिला दिया है। अब हम मिलाएंगे इसमें अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मिला रहे हैं हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चनों में हमने ज़्यादा पानी नहीं रखना है, जिस पानी में पकाया था उसमें जब हम धीरे धीरे हाफ तक पकाते हैं, हाफ आर तक, तो जो पानी सभी जजब कर लेते हैं। देखिए पानी के वजह से क्या होगा कि हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी अगर आप ज़्यादा पानी रखोगे। देखिए बस हमने इतना की पानी रखा था इसमें। चने भी मैंने आपको बता दिए थे कि बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे भुना हुआ 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा पाउडर। चने हमारे उबले हुए थे, देखिए जब हम और चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगी। देखिए ऐसे थोड़ा सा मैश करेंगे ना तो सब्जी तो हमारी रेडी है, एक मिनट में ही रेडी हो जाती है। तो अब इधर हम क्या करेंगे, इधर ऐसे इसे ठंडा होने देंगे सब्जी को, फिर मैं आपको एक बाउल में निकाल कर बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स करना बताऊंगी कि किस प्रकार से हम अपनी सब्जी को प्रिपेयर करते हैं कुलचों में स्टफिंग के लिए। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक कितना मिलाना है, इतना, 1/2 से थोड़ा ज़्यादा टीस्पून में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए नमक हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, प्याज हमने इसमें मिला दिया ताकि आपको कच्चा कच्चा सा टेस्ट लगे, बाकी हम भून कर मिलाएंगे। तो आलू हम मिलाने जा रहे हैं, आलू हमने मिला दिए हैं। जब आलू मिला दिए, प्याज बिल्कुल मामूली से मिलाए थे, बाकी को हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे। काफ़ी सारा हम मिलाएंगे इसमें हरा धनिया पत्ती और थोड़ी सी हम अपने लिए बचा के भी रखेंगे कि तवे पे जब हम प्याज वगैरह को करेंगे। तो अब हम लेंगे बटर, ये मेरे पास अमूल का बटर है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसलिए मैं अमूल का बटर ही प्रयोग करती हूँ। ये टेस्ट में लाजवाब होता है और क्वालिटी भी इसकी फाइन रहती है। थोड़ा सा इतना हमने बटर ले लिया है, गैस का बर्नर बंद कर देंगे और इससे हम प्याज को ऐसे सेक लेंगे। आपने देखा होगा कि कुलचे वाले कैसे ये बहुत अच्छा सी टेस्ट देते हैं। इसके साथ ही हम हरी मिर्ची, थोड़े से टमाटर हम इसमें मिक्स करेंगे और थोड़े से हम इस पर थोड़ा सा मामूली सा सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकने, प्याज को हमने जलाना नहीं है, सिर्फ उसमें बटर का जो टेस्ट है वह ऐड करना है। कम आँच पे हम इसे सेक कर बीच में ऐड करेंगे। यही तो आर्ट होता है कि किसी चीज़ को किस प्रकार से मिलाना है। हरी मिर्ची अगर हम सब्जी में मिलाते तो वह काली काली हो जाती, खड़मी खड़मी रहनी चाहिए, खड़ी खड़ी थी। तो जो हमने ऐड किए थे आलू, टमाटर, थोड़े से प्याज, हरा धनिया, उसके हिसाब से हम इसमें मिला रहे हैं काला नमक, 1/2 से थोड़ा कम मिला रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, चाट जैसा। और अब हम अपने
इसमें मिला रही हैं नमक, आप उसी हिसाब से मिला रही हैं अपने मसाले के हिसाब से, काली मिर्च पाउडर, ये 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हैं इसमें। अब जीरा हम भूल गए थे, थोड़ा इसमें ऐसे बीच में करके चटका देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा मक्खन में, हो गया जीरा भी हो गया जी, हमें ऐसा नहीं महसूस रहा। देखिए अब सभी चीज़ों को इसमें बटरी टेस्ट देने के लिए हम ऐड कर देंगे। आप कुलचे में भी रख सकते हैं बाद में, कुलचे पे भी, चलो हम ऐसे करते हैं जैसे आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगे जैसे कुलचे वाले करते हैं। तवे सब्जी को अच्छी तरह मिक्स करें, मसाला तो हमारा तैयार ही है तवे पे, उसे बाद में देखते हैं कि क्या करना है। जो काला नमक मिलाया था हमने इसमें उसे ऐड कर मिक्स कर लें सॉरी, और इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून। इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और भुना हुआ पिसा जीरा 1/2 टीस्पून, देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी है बिना हल्दी के भी। अब जो पनीर के स्लाइसेस है उसे भी हमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब हम अपने जो कुलचे हैं उनको सब्जी को एक साइड पे थोड़ा रख लेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा लुक देना है। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था अच्छी प्रकार से, जो हमारा मसाला भी तैयार है। ठीक है जी, ये रहा हमारा, होगी सब्जी। और अब हम अपने कुलचों को, चने कुलचे इतने टेस्टी बनेंगे, आप अगर मेरे को बिल्कुल सेम फॉलो करते हैं सही ढंग से, हमने कुलचों को बीच में से ऐसे चीर लगा दिया है। अब पतला सा हमने मक्खन का स्लाइस लेना है, और अपने कुलचे को स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल इसमें हम ऐसे फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे सेक लेंगे। देखिए आपको बिल्कुल वैसा ही स्ट्रीट फूड जैसा लुक आएगा, आप क्या उठेंगे कि कुलचे खाए हैं तो मार्केट से भी, आप हमेशा मार्केट से ऐसा ही कंपैरिजन करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमारी खुद की रेसिपी हो, खुद का टेस्ट हो। सब्जी हमारी बहुत बढ़िया बनी है, ऐसे हम सेक लेंगे इसे अच्छी तरह से, गर्म भी हो जाते हैं और सिक भी जाते हैं। कुलचा हमारा अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक गया है। देखिए अब हम थोड़ी सी सब्जी लेंगे और थोड़ा सा मसाला मिक्स करेंगे जो हमने बनाया था, और थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे, और थोड़ा सा नींबू का रस बीजों को हटाते हुए। देखिए इतने टेस्टी बनेंगे, बस आपने रेशो का ख्याल रखना होता है। अब अच्छी तरह मिक्स करके सब्जी और मसाला को इसमें फिल कर दीजिए अच्छी तरह से। देखिए कितनी बढ़िया हमारी फिलिंग स्टफिंग हुई है इसमें। स्टफिंग करने के पश्चात हम एक बार से फिर इसको सेक लेंगे, और फिर एक टिश्यू पेपर लेंगे हम, और फिर हम आपको सर्व करने का बता रहे हैं तरीका। लीजिए टिश्यू पेपर और दीजिए सर्व करने के लिए। ये हमारा सैलेड रहा और इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी आप चाहें तो उसमें भी सर्व कर सकती हैं, चनों में भी। अब मैं एक आपको इमली की चटनी के साथ सर्व करके बताती हूँ। ये हमने स्लाइस बटर का इसमें फिल रख दिया, देखिए ये बटर का स्लाइस रखा है। अब हम इस कुलचे को भी अपने को सेक लेंगे अच्छी तरह से। तवा हमारा गर्म है, कुलचे में हमने बटर को लेयर लगा दिया, और इसे हम अब फिर से थोड़ी सी सब्जी लेंगे, थोड़ा सा अपना मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था उस पर लगाएंगे, अपना लेमन जूस मिक्स करेंगे, कर दिया जी। और अगर आपको चटनी भी मिक्स करनी है तो आप थोड़ी सी चटनी इस प्रकार से इमली की। और अब हम क्या करेंगे,
अपने कुलचे को लेंगे, इसे ऐसे ही रखे देने दे। जो मसाले हैं उसका फ्लेवर भी हमारा, सब्जी हमारी इमली की चटनी नींबू छोड़कर एक साइड पे कर दिया है, देखिए सभी फ्लेवर कुलचे में आ जाते हैं, इसीलिए हम सब्जी साइड पे रखते हैं। उनका तवा बड़ा होता है तो उनको अब हरिया पत्ती, धनिया की हरी पत्ती, उनका तवा बड़ा रहता है इसलिए उनकी जो अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से हो जाती है। अब हम इसमें ऐसे रखते हुए स्टफिंग करेंगे, देखिए जब पॉकेट सी बन गई है और इस पॉकेट में हमारे बहुत अच्छी स्टफिंग जा रही है, देखिए कितनी बढ़िया हमारी स्टफिंग हुई है। और इसे प्रेस करते हुए दोनों तरफ से प्रेस करते हुए देखिए जी, अब हमारे कुलचे हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं जी। हमने अपने पा को अच्छी तरह कुलचा को अच्छी तरह सेक लेना है, इसमें बटर लगाकर हमने अच्छी तरह से इसे सेक लेना है, इससे ये थोड़े रोस्ट भी हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं, गर्म कुलचा ही अच्छा लगता है। और इधर हम अपनी सब्जी को तैयार करेंगे, किस प्रकार से तैयार करना है, थोड़ी सी सब्जी वही पहले वाले तरीके को फॉलो करते हुए थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया हमने, थोड़ा सा मसाला ऐड किया, थोड़ी सी सब्जी ऐड की, थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस। बीज को हटा देंगे हम और इसमें मिलाएंगे चंकी चाट मसाला, पहले मैं दो कुलचों में भूल गई थी, थोड़ा सा चंकी चाट मसाला और थोड़ी सी इमली की चटनी, आप चाहें तो सॉस भी का कर सकते हैं परंतु इमली की चटनी से ये बहुत बढ़िया बन सकते हैं जिस प्रकार से कुलचे वाले करते हैं। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के पश्चात हम करेंगे अपने कुलचा में इसे स्टफ। तो किस प्रकार से हमने लेना है आप देख लीजिए, पॉकेट सी किस प्रकार से बनानी होती है, ये बीच में रखा हमने कुलचा, बिल्कुल बीच में रख लीजिए, इस प्रकार से रख लिया जी। अब हम जो पॉकेट सी रहती है सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार, जो सब्जी में नींबू चटनी चंकी चाट मसाला मिलाया था अच्छी प्रकार से मिक्स करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपको मीठा लगे कहीं खट्टा लगे। मैंने बिल्कुल आपको ठीक ठीक बताया है कि कितना 100 ग्राम टमाटर 100 ग्राम प्याज एक सार आएगा, यही नहीं कि आपके प्याज ही प्याज का टेस्ट आए आलू का ही आए, तभी मैं तोल कर मिन कर आपको बताती हूँ कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको आप इतने परफेक्ट नहीं होते, हम कौन से प्रोफेशनल होते हैं, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, ये नहीं होता कि हमने हाथ से नहीं करना है, हाथ से ऐसा किया ठीक है जी, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये बन गया हमारा स्टफिंग वाला कुलचा। थोड़ी हम स्पैचुला की हेल्प भी ले लेंगे और इसे ऐसे दबा देंगे, देखिए हमारा कुलचा बिल्कुल रेडी है। आप सॉस के साथ, हमने अपनी चार कुलचों में स्टफिंग कर ली है, देखिए बिना हल्दी के भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ कि आप अगर मेरे को फॉलो करते हो, इतनी रेशो में मिर्च मसाले चंकी चाट मसाला इमली की चटनी नींबू का जूस डालकर तवे पे इसी प्रकार से सब्जी को बनाते हुए स्टफिंग करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जब आप सर्व करें तो सॉस के साथ, इमली की मीठी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं, ये खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। आपको अगर मीठी चटनी बनाने की रेसिपी ना समझ लगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सॉस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने पहले सॉस और ये दोनों चटनी
मीठी चटनी सिखाई हुई है, वीडियोस अपलोड की हुई है। तो दूसरी बात, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछताछ कर सकते हैं, ताकि आप इंडियन कुजीन में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाकर खिला सकें। बस आपको, जैसे मैं भूल गई थी, तनकी चाट मसाला, नींबू का रस, इमली की चटनी, सब्जी को गर्म करने के पश्चात जरूर मिक्स करनी है, हरा धनिया पत्ती वगैरह सभी चीज़ें मिक्स करके फिर इसमें स्टफिंग करनी है। आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। आप इसी प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए रेसिपी को ट्राई करें, मेरी रेसिपी को अगर पसंद करें तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।